एवरीवन। तो फ्रेंड्स, आज की ब्लॉग की शुरुआत हुई है सुबह के 5:30 बजे से और आज दिन है फ्राइडे। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू फली और भाई ठंडा मौसम होने लग गया है सुबह सुबह, इसलिए शॉल वगैरह ओढ़ने पड़ते हैं क्योंकि मेरी वैसे भी तबीयत ख़राब हो रही है। तो सुबह यहाँ पे मैंने बनाई है आलू फली की सब्ज़ी और एक साइड मैंने बना ली है अपनी चाय। फटाफट से कर लेंगे काम। वॉशरूम की है आज मैंने डीप क्लीनिंग, तो सारे टाइल्स वगैरह नीचे ऊपर की अच्छे से रगड़ रगड़ के धो दिए भाई, साफ़ कर दिए और अच्छे से सेट हो गया है मेरा वॉशरूम और बिल्कुल क्लीन हो चुका है ये देखो। क्योंकि दिवाली पर बहन है, हमने घर का हर एक कोना साफ़ करना होता है, बस यही रहता है ये चीज़ साफ़ करनी है, ये करनी है और सफाई ख़त्म ही नहीं होती सच में। डेली नए नए काम याद आता रहता है और होता रहता है। देखो अब वॉशरूम भी क्लीन हो चुका है, अभी फाइनली मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है। दिन में मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि वीडियो के चक्कर में फिर काम है ना काफ़ी लेट हो जाता है। और आज मैंने बाथरूम की भी डीप क्लीनिंग की है, वॉशरूम की भी आज अच्छे से क्लीनिंग कर दी है क्योंकि जब सारे घर को साफ़ कर रहे हैं तो फिर वॉशरूम को किस लिए छोड़ना, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया है। और उसके बाद फिर मैं बस नहा के और लेट गई हूँ। और अभी मैंने ना थोड़ी देर लेटी थी, मतलब मटकंगी वगैरह मैंने नहीं किए है और बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, इतनी ज़्यादा थकान हो गई थी। फिर मैंने सोचा चलो चाय बना के पीती हूँ और अभी बना रही हूँ मैं चाय। और उसके बाद चाय पी के थोड़ा रेस्ट करके फिर मेरे को अलमीरा की सफाई करनी है भाई, वो साफ़ करूँगी और बाकी मेरा क्लीनिंग का सारा काम हो चुका है, बस अलमीरा हो जाए उसके बाद सारा काम फिनिश। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, अभी मैं चाय पी के ना थोड़ी देर लेट गई थी, सो गई थी, मतलब क्योंकि तबीयत ख़राब होने की वजह से ना थकान जल्दी हो जाती है, तो फिर थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी था। वैसे तो मेरी सारी क्लीनिंग हो चुकी है बट जो बेडरूम वाली अलमीरा है ना वो वाली पेंडिंग बचती है, तो उसकी सफाई मैंने नहीं की, तो वो सोच रही हूँ कर लूँ अभी। तो अभी काम हो चुका है और अभी बजे हैं 2:30, तो बच्चे भी थोड़ा लेट ही आएंगे, तो मैं सोच रही हूँ तब तक कर लेती हूँ। तो आज मैंने और कुछ गर्म कपड़े हैं ना वो भी निकाल लिए हैं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं करने लगी हूँ अपनी अलमीरा की क्लीनिंग, तो सारे कपड़े वगैरह मैंने निकाल लिए हैं क्योंकि जब पेंट वगैरह कराए ना तो पहले मैंने क्या किया था, उससे पहले मैंने सबके अलग अलग पोर्शन बनाए हुए थे, लेकिन जब पेंट कराए ना तो बिल्कुल भी ना तो कपड़े फोल्ड करने का टाइम मिला और ना वैसे सेट करने का, तो मैंने ऐसे ही रख दिए थे, इसके कपड़े उधर इसके उधर, मतलब ऐसे ही मिक्स हो गए थे सबके। तो अभी मैंने सारी अलमीरा के जितने भी कपड़े थे ना वो सब निकाल लिए हैं, और अलग अलग पोर्शन में रखने से यही होता है कि कपड़े मिक्स नहीं होते, जिसको ज़रूरत पड़े वो अपने निकाल ले। तो ऐसे ही सेट था पहले बट अब थोड़ा चेंज हो गया था। फिर आप कितने महंगे कपड़े लिया हो बट एक या दो बार ही पहने जाते हैं ना, हैवी जो कपड़े होते हैं वो वाले, ये मैं लेके आई थी देवर के साथ दी, बहुत ही अच्छा लाच है ये और काफ़ी कॉस्टली भी था, बट मैंने सिर्फ इसको एक बार ही पहना है। इसका काम मुझे लग रहा है अब इतना ही रह गया, बस जब भी दिवाली की सफाई करो मेरे को निकालो और वहीं पर रख दो, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी पहनी जाती है और एक बार पहनने के बाद फिर दोबारा मन भी नहीं करता। ये देखो कलर तो इसका काफ़ी अच्छा है, ये देखो मैंने किसी एक यूट्यूबर थी शायद उसके पास सेम ये लाचा देखा था और अच्छा लग रहा था, मतलब काफ़ी सेम यही कलर था और अच्छा लगा मुझे ये देखो। तो भाई इनको रख देते हैं और तो कुछ काम है नहीं इनका। और ये मेरा जो गाउन है वो वाला है वाइट, ऑफ वाइट है ये, और इसका दुपट्टा है ब्लू कलर का। ये सारी चीज़ें पैक करके रखी है बस, ये समझ लो। और ये स्टेंसिल लेके आए थे, इसको रख देती हूँ अदरवाइज फट जाएगी, ये देखो लेके आए थे बट इसका कुछ नहीं बना। मतलब जो लाइट वेट कपड़े होते हैं ना उनको तो आप डाल भी सकते हो बट जो हैवी ले आते हैं ना वो फिर डाले नहीं जाते, वो रखे रहते हैं। और मोस्टली लेडीजों के पास रखे होंगे, मैं ये नहीं कह रही मेरे मेरे पास रखे हैं, बट इनका काम फिर इतना ही रह जाता है, उठाओ रख दो उठाओ रख दो, एक लाच चाहिए डोलेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं सभी कपड़ों को चेक करके रख लूँगी क्योंकि एक ऐसा टाइम होता है कि हमें ठंडे कपड़े हैं ना वो तो रखने पड़ते हैं और फिर गर्म कपड़े या फुल स्लीव के वो निकालने पड़ते हैं, तो एक ठीक टाइम होता है ये क्योंकि पूरे घर की क्लीनिंग तो होती है। तो यहाँ पे बस जो अब पहनने के कपड़े हैं वो मैं इसमें सेट कर दूँगी और जो ठंडे कपड़े थे ना उनको फिर मैं उठा के बेड में रख दूँगी, और जो ये हैवी कपड़े होते हैं भाई फंक्शन वगैरह में पहनने के ये तो कभी कभी यूज़ होते हैं, तो इनको सबसे ऊपर वाले पोर्शन में रख देती हूँ क्योंकि वो वैसे नीचे से तो हाथ आता नहीं है और ये रखा ही रहता है बस ऐसे ही। कई बार हमारे इस तरह के हैवी कपड़े होते हैं ना उनका बस बाद में इतना ही काम रह जाता है, जब भी आप क्लीनिंग करते हो उनको उठाओ देखो और फिर वहीं पर रख दो, ये कपड़े कभी यूज़ नहीं होते, मतलब बहुत कम यूज़ होते हैं। तो फटाफट से फ्रेंड्स, मैं सारे कपड़े निकाल के अलमीरा को साफ़ कर दूंगी बिल्कुल, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन की तो क्लीनिंग नहीं हो पाती और वैसे नीचे वाले जो पोर्शन होते हैं ना उसकी तो हम करते रहते हैं। तो दिवाली एक ऐसा टाइम होता है हम हर एक चीज़ की डीप क्लीनिंग करते हैं,
तो यहाँ पे बस मैं सभी कपड़ों को अच्छे से सेट कर दूंगी, क्योंकि कपड़े सेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो इस टाइम मैंने जो गर्म कपड़े थे ना थोड़े से फुल स्लीव के, वो निकाल लिए थे बच्चों के भी और अपने भी, और जो पतले कपड़े थे हाफ बाजू के वो मैंने रख दिए थे। और ये देखो भाई अलमीरा की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है, क्योंकि जब पेंट कराया ना तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, ऐसे ही मैंने ऊपर नीचे कपड़े रख दिए हैं ये देखो। तो यहाँ पे बस मैं अलग अलग, मैंने अलग अलग पार्ट्स बनाए हुए हैं, बेड शीट के अलग, जोड़ने वाली चादरें होती हैं उनका अलग, पहनने के कपड़े अलग जो कभी कभी पहने हैं उनके अलग। तो इस तरह से अगर आप अलग अलग पोर्शन बना के रखते हो ना तो फिर कपड़ों को ढूंढने में बहुत आसानी रहती है। बट अभी थोड़ा काम का बर्डन ज़्यादा था इस वजह से सारे मिक्स हो गए। अदरवाइज अलमीरा मेरी पूरी साफ हो चुकी है और नीचे वाले मैंने सारे साफ कर दिए ड्रॉर, एक पेंडिंग बचा है नीचे वाला, एक ये वाला और एक वो वाला, दो बच गए हैं, एक वो और एक ये। इनको करूँगी मैं कल, कल करूँगी उनको, क्योंकि अभी चली गई थी मैं मार्केट, पास में मार्केट है तो वहाँ से कुछ सामान लेके आए हैं जो हमें चाहिए था। तो फटाफट से भाई जो सामान लेके आए हैं उसको डाल लेते हैं और इस वाले क्लीनिंग ब्लॉग को यहीं पे बंद कर देते हैं। सारी क्लीनिंग मेरी हो चुकी है, आज मैंने वॉशरूम की टाइल्स है वो भी साफ़ की है, अपनी अलमीरा भी साफ़ की है और वॉशरूम है उसकी भी क्लीनिंग कर ली है। तो अभी फाइनली जो मेरा क्लीनिंग का काम था हो चुका है कम्प्लीट। इसी के साथ फ्रेंड्स वीडियो को कर देते हैं बंद, मिलेंगे आपको नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।